कि क्या हमें लवली इन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसी भी मीम कॉइन में। लवली इन का जो लेटेस्ट जो अपडेट है ना, लवली इन रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ग्लोबल मार्केटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। अब ये ग्लोबल मार्केटिंग करने वाले हैं। दिस टाइम लवली इन नॉट ओनली लिस्ट ऑन एक्सचेंज, ये बायबैक करने वाले हैं और जो इसका प्रूफ होगा वो ट्विटर पर शेयर करेंगे। बायबैक क्या होता है? जब हम किसी भी क्रिप्टो को बाय करते हैं तो हम $100 को बाय करते हैं या $200, ज़्यादा से ज़्यादा $300। लेकिन ये जो इनकी कंपनी है लवली इन हुआ या बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो काफ़ी बड़े अमाउंट से बाय करेगी, जैसे $2000, $1500 या $3000, ये काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट से बाय करेंगे। इन्होंने बायबैक का डेट भी दे रखा है, आप देख सकते हो 17 अगस्त को इसका फर्स्ट बायबैक है एंड 18 अगस्त को ये लिस्टिंग करने वाले हैं किसी अनदर एक्सचेंज पर। हम लिस्टिंग के बारे में बाद में बात करने वाले हैं कि लिस्टिंग क्या होने वाला है। 24 अगस्त को फिर से बायबैक करने वाले हैं एंड 25 अगस्त को लिस्टिंग करने वाले हैं एंड 7 सितंबर को ये फिर बायबैक करने वाले हैं एंड 8 सितंबर को ये लिस्टिंग करने वाले हैं एंड 21 सितंबर को ये बायबैक करने वाले हैं एंड 22 को लिस्टिंग एंड जो लास्ट जो है वो 5 अक्टूबर को करने वाले हैं बायबैक एंड 6 को ये लिस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है ना कि ये 5 एक्सचेंज पर लिस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है बायबैक का इनका जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो सही है। ये ग्लोबल मार्केट में भी अपने बहुत सारे एड्स रन कर रहे हैं, बहुत सारे जो सुपर जो लीग होते हैं उनके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके टीवी पर ये एड्स रन कर रहे हैं। और हम लिस्टिंग के बात करें तो जो 13, 14 एंड 16 को जो लिस्टिंग होने वाला था वो लिस्टिंग कहाँ गया? आप खुद सोच सकते हो, जो 13 को लिस्टिंग होने वाला था, जो 14 को लिस्टिंग होने वाला था शायद या 15 को, और इनका जो सबसे बड़ा जो एक लिस्टिंग होने वाला था 16 को, जिसका मार्केट में हाइप बनाया गया था, 16 को बहुत बड़ा लिस्टिंग होने वाला है, वो कहाँ गया? उनका कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई भी इनका फाउंडर बात कर रहा है इनके तरफ से। मुझे यहाँ तक याद है कि जो इनका फाउंडर है वो दिल्ली का रहने वाला है और ये इंडियन प्रोजेक्ट है। अभी जो इसमें पंप आया था उसके बाद से इसमें 80-90% का डंप आ चुका है एंड बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे जो इसमें इन्वेस्ट कर रखे थे अभी वो परेशान हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं रहता ना कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी जो ट्वीट भी कर रहे हैं आप देख सकते हो 13 अगस्त एक्सचेंज है 14, 16 डोंट शिफ्ट डेट ऑन न्यू फेज। बहुत सारे यूजर का ये भी कहना है कि ये स्कैम है, ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिखा रहे हैं एंड मार्केट में हाइप क्रिएट कर रहे हैं। और हाइप क्रिएट इन्होंने किया भी था कि 16 अगस्त को काफ़ी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने वाला है, लेकिन अब उसका कोई भी अपडेट नहीं है। तो अगर आपको लवली इन में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना खुद का रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बहुत रिस्की है और ये ऊपर से मीम कॉइन है, इनका कोई यूज केस नहीं है मार्केट में। और इन्होंने इसका एक वीडियो शेयर किया था, ये तो खुद लॉलीपॉप है भाई, इसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए ना तो उधर ही हवा में उड़ेगा। ये जो भी बंदा है वो दिख रहा है यहाँ यूट्यूब पर, जो उसका थंबनेल जो शेयर किया गया है, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर को क्या, इन्वेस्टर अपना खुद का रिसर्च करता नहीं है, और यूट्यूब पर देखता है कोई मीम कॉइन हाइप में है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है $100 का, उनको क्या है भाई, वो तो पैसा ऐसे ही बहाने के लिए रेडी हैं। इंडियन यूजर है ना, इंडियन यूजर चूतिया होते हैं भाई, इनको तो कुछ रिसर्च करना नहीं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, फिर बाद में आकर रोते हैं कि मेरा लॉस हो गया। अरे होगा भाई, लॉस उठाओ फिर। इसलिए मैं गुस्सा में नहीं बना रहा हूँ वीडियो, बट समझा रहा हूँ यार कि अभी भी टाइम है, तो सिर्फ आपको अपडेट दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करो। एंड आप यहाँ देख सकते हो न्यूयॉर्क में इन्होंने एक एड्स रन किया था ग्लोबली। ये था कुछ आज का अपडेट। अगर आप इसके प्राइस जानना चाहते हो तो चलिए आपको दिखा देता हूँ इसकी प्राइस क्या चल रहा है। अभी आप देख सकते हो लास्ट 24 आवर्स में 28% तक डाउन है हमें ये, और आप इसकी वॉल्यूम देख सकते हो, इसका वॉल्यूम 36% यार पंप है। ये मीम कॉइन है, अगर इसे हम थोड़े बहुत अमाउंट से भी बाय करते हैं ना 2000-3000 से, तो इसकी वॉल्यूम अप जाएगा, बहुत सारे यूजर्स हैं आपके जैसे। एंड आप इसकी मार्केट कैप देख सकते हो 27% डाउन है। कि क्या हमें लवली इन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसी भी मीम कॉइन में, मेरे पर डिपेंडेंट रहना चाहिए मीम कॉइन में कि ये मेरे को करोड़पति बना देगा? इन्हें से खुद सोचो कि क्या हमें किसी फंडामेंटल कॉइन की तरफ जाना चाहिए या नहीं, जैसे कि कार्डानो हो गया, मैटिक हो गया, गाला हो गया, सैंडबॉक्स, बहुत सारे क्रिप्टो मिल जाएंगे ये मार्केट में आपको जिनकी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। अभी डाउन है, मैं मान रहा हूँ डाउन है यार,
लेकिन इंक्रीज हो जाएंगे, उनमें वो पोटेंशियल है, उनकी कम्युनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।